हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसी फंडामेंटल्स में प्योर इंडक्टेंस। तो अगर हम एसी सर्किट में प्योर इंडक्टेंस लगाएंगे तो क्या एक्सप्रेशन आएगा और क्या करंट और वोल्टेज की वैल्यू होगी। तो ये बेसिकली वीडियो उनके लिए है जो प्लस टू नॉन मेडिकल कर रहे हैं और जो डिप्लोमा कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का और जो बीटेक कर रहे हैं उनके लिए है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो आपको अगर डिप्लोमा वाला के डिप्लोमा कर रहे हैं और प्लस टू वाले प्लस टू कर रहे हैं और आगे इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं तो आपको ये आने ही चाहिए, स्पेशली जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो ध्यान से इसको कर लीजिए। और ये बेसिकली जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आया हुआ है, तो आप तो अच्छे से कर ही लीजिए। और जो प्लस टू नॉन मेडिकल कर रहे हैं उनको ये 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही आएगा अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ड्राइव द एक्सप्रेशन वेयर एसी इज अप्लाइड टू प्योर इंडक्टेंस। कहता है जब हम एसी जो है अप्लाई, एसी मीन अल्टरनेटिंग करंट हम अप्लाई करेंगे तो क्या उसका एक्सप्रेशन आएगा। दूसरा भी उसने यही बोला कि ऐसा सर्किट बनाइए प्योर इंडक्टेंस हो जिसमें। और थर्ड उसने बोला जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ही शो दैट करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। कहता है कि जो करंट है वो लैग बिहाइंड द वोल्टेज, वोल्टेज से पीछे चला जाता है। कितना? 90 डिग्री पीछे चला जाता है। कब जाता है? जब हम प्योर इंडक्टिव सर्किट यूज करते हैं। तो सर कैसे होता है? तो इसकी एक छोटी सी पहले एप्लीकेशन बता दूं, आपका इंटरेस्ट बना दूं ताजो आप इसको कर लो, अदरवाइज आपको बोरिंग लगेगा आपको। तो इंटरेस्टिंग ये है इसमें कि जैसे कि आपका फैन लगा हुआ है, ठीक है, आपके पास फैन है, मोटर है, आपने देखा होगा। तो मोटर में कैपेसिटर भी लगा होता है, ठीक है। तो जब अगर कैपेसिटर नहीं लगाते तो पंखा हमारा स्लो चलता है अगर कैपेसिटर खराब हो जाए। तो होता क्या है कि जो हमारा पास फैन है हमारा और मोटर है हमारी, वो किस पे बनी है? कॉपर की वायर से बनी हुई है। तो वो क्या होगी? हमारी इंडक्टेंस। तो वो इंडक्टिव इफेक्ट पैदा करेगी इंडक्टेंस से। अभी मैंने उसने बोला कि करंट पीछे जाता है तो उसको, और कैपेसिटर में करंट आगे जाता है 90 डिग्री, और करंट और वोल्टेज सेम करने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। ये भी एक लॉजिक है जो कोई बताता नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसलिए हम जो है कैपेसिटर लगाते हैं ताजो वो करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहे और हमारा जो है स्मूथली जो है मोटर चलती रहे। तो ये भी एक है लॉजिक। तो चलिए देखते हैं, पहले ये प्रूफ करते हैं कि इंडक्टिव सर्किट में ऐसा होता है। इंडक्टिव सर्किट है, आपको बता दिया मैंने मोटर और जो आपका पंखा लगा हुआ है उसमें मोटर, जितनी भी मोटर लगी है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट होता है और उसमें करंट जो है वो पीछे होता है 90 डिग्री। तो सर प्रूफ करके दिखाइए, वही हमने आज प्रूफ करना है और फेजर डायग्राम भी मैं आपको बताऊंगा जिससे क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन में अभी आपको पता चल गया, मैंने थ्योरी लिख दी है, थ्योरी का भी एक बार जल्दी जल्दी से रिव्यू करवा देता हूं। मैंने सिंपल सा लिखा है, सर्किट कंटेन प्योर इंडक्टेंस ऑफ एल। तो इंडक्टेंस होनी चाहिए उसमें एल, वो है आपको पता है इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है, इज प्लेस्ड होनी चाहिए, उसको हम प्योर इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। जब उसमें हम एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो एसी वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये आपको पता ही पता है, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। अब हम जब एसी अप्लाई, इसमें वोल्टेज जो अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? तो मैं डायग्राम बना के पहले दिखा देता हूं आपको। तो इंडक्टेंस हमारी ऐसी होती है, ये वाला होता है एल, और यहां से हम ऐसे यहां पर हम एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन सी है? वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये है, उसमें ओनली इंडक्टेंस लगी है और उसमें करंट आई जो है वो जा रहा है। अब हम करंट जाएगा, करंट फ्लो होगा इसमें जाएगा तो क्या पैदा होगी? ईएमएफ पैदा होगी, जो किसने बोला था? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो जब फैराडे लॉ आ जाएगा आपको पता चल गया कि ये ट्रांसफार्मर में भी लगेगा, ये जनरेटर मोटर सभी में कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। तो ये ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो फैराडे लॉ ने बोला था जो ईएमएफ इंड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, जो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या ईएमएफ इंड्यूस होगी? फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग उसने बोला था जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो होगी, ठीक है, वो क्या होगी? एल डी आई अपॉन डी टी,
तो यहां पर मैंने एल लगा दिया है, एल इसलिए लाया है सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि यहां पर एक ही हमारे पास एल है तो इंडक्टेंस ही है, तो यहां पर हमने डायरेक्टली की जगह एल लगा दिया, तो ये एल लगाया हुआ है। और यहां पर ये इसको ये हमारी ईएमएफ, और साथ में क्या था, माइनस का साइन था। माइनस क्यों था, क्योंकि हमारी ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज चलती है, और जो वोल्टेज बनेगी वो लेंस लॉ ने बताया था कि जो वोल्टेज होगी वो किसने बताया था, लेंस लॉ ने, ठीक है। तो जो लेंस लॉ ने बताया था जो वोल्टेज होगी वो ईएमएफ के ऑपोजिट होगी, मींस वोल्टेज होगी माइनस ईएमएफ की, ये मैंने बताया था। तो आप सीधा याद रख लो कि ईएमएफ का ये माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे ऐसे, तो आप सीधा इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख दो कि जो हमारे पास वोल्टेज पैदा होगी प्रोड्यूस होगी वो होगी एल डी आई ओवर डी टी। तो आप सीधा पेपर में लिख के आ सकते हो, अगर ज्यादा आ जाएगा तो ज्यादा लिख सकते हो। अब इतना तो आ गया है, ठीक है सर, इतना तो आपने बता दिया। अब क्या करना है, हमने निकालना है करंट, तो हमें V की वैल्यू पता है। V की वैल्यू क्या होती है, वी एम साइन ओमेगा टी, ये आपको पता ही पता है। L भी है, di ओवर dt भी है, ठीक है। अब आप पढ़ रहे होंगे मैथमेटिक्स में, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 में इंटीग्रेशन, और आप बहुत बोरिंग इंटीग्रेशन मान रहे होंगे, बहुत डिफिकल्ट मान रहे होंगे। क्यों मान रहे होंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये कहीं यूज तो होता नहीं इसका। अभी इसका यूज भी बताता हूं। तो यहां पर di का मतलब हमारे पास स्मॉल करंट है, क्या है हमारे पास स्मॉल करंट, इसको हमने लार्ज करंट करना है, मतलब टोटल करंट I लेकर आना है। तो वो किसके लेकर आएंगे, जब भी हम स्मॉल से लार्ज तक जाते हैं, छोटे से बड़ी की तरफ जाते हैं, तो हम लगाते हैं इंटीग्रेशन रूल। तो हम इंटीग्रेशन करनी हमें पड़ेगी, तभी हम इसको कर सकते हैं, यही तो थी एप्लीकेशंस। तो अभी इसको करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल कर देंगे, di को अलग करते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, डी टी एल डी आई, ये बन जाएगा। अगर हमने डी आई निकालना है तो क्या बन जाएगा, ये जो एल है ये इसके नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा वी एम ओवर एल साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं, हमने आई की वैल्यू को अलग कर दिया है और t की वैल्यू को अलग कर दिया है। अब हम करेंगे अप्लाई इंटीग्रेशंस, अप्लाई इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि हमें चाहिए टोटल करंट। तो यहां पर हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, यहां पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। अब जल्दी से इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, di की क्या होती है, आई बनेगा, और ये क्या है, Vm ओवर L बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेशन क्या है, साइन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है अभी बताइए, साइन का इंटीग्रेशन होता है, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको पहले एक बार ऐसे मैं लिख देता हूं, साइन ओमेगा t, और यहाँ पे dt भी लगा हुआ है और यहाँ पे भी dt लगा हुआ है। अब इसका जल्दी से करते हैं, हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो I इज इक्वल टू Vm ओवर L, साइन का बन जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये माइनस कॉस ओमेगा टी, और क्या आएगा सर, ये ठीक है, आपको मैंने बताया था कि साइन मान लीजिए टू टी है, तो ये साइन का होता है माइनस कॉस टू टी, और टी के साथ क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, तो टू डिवाइड भी आएगा, ऐसे टी के साथ क्या लगा हुआ है, ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ पे डिवाइड भी आएगा। तो आई इज इक्वल टू वी एम, नीचे आ जाएगा ओमेगा एल, ठीक है, तो ये ओमेगा है बेसिकली, ओमेगा एल, ठीक है, ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, तो ये माइनस का साथ में है। अब सर इसको कैसे करें, काफी कंफ्यूजन है, अभी बताता हूं आपको। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, ये जो ओमेगा एल है, ओमेगा एल हमारा होता है एक्स एल के अकॉर्डिंग, ओमेगा एल क्या होता है, एक्स एल, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम इंडक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपके काम आएगी। तो ये वाला इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है। ओमेगा की वैल्यू आपको ये भी पता है कि ओमेगा की वैल्यू हमारे पास एक्स एल, अगर हमारे पास ओमेगा एल आता है
तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 2 पाई एफ होती है, जो कि मैंने काफी बार आपको पहले भी बता चुका हूं। तो एक्स एल हमारा 2 पाई एफ एल होता है, जो मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बताया था, जो वहां यहां से आया था, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो की फिल्टर में मैंने ये चीजें बताई थी। तो एक्स एल 2 पाई एफ एल हमारा होता है। तो ये बेसिकली सर है क्या, जब प्योर इंडक्टिव सर्किट है उसमें कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगी जो करंट को रोकेगी, वो ये है। तो इंडक्टेंस में जो चीजें रोकती हैं करंट को उसको बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये भी एक टाइप की रेजिस्टेंस है। तो ये क्या है, यहां पर लिख दूंगा मैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, इट इज द ओपोजिशन, द ओपोजिशन द फ्लो ऑफ एसी करंट, वो करंट को रोकती है, ठीक है। ओपोजिशन द फ्लो ऑफ एसी करंट बाय प्योर, कौन रोकती है, बाय प्योर इंडक्टेंस, ठीक है। जो प्योर इंडक्टेंस करेगी उसको बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये भी पूछ ले तो आपने ये लिख के आना है कि ये ओपोजिशन द फ्लो ऑफ करंट है कब, जब प्योर इंडक्टेंस, ठीक है, यूज इन एसी सर्किट, जब हम एसी सर्किट में प्योर इंडक्टेंस जो है ओनली यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपने लिखानी है। तो यहां से जल्दी जल्दी से अब करते हैं, ये बन जाएगा हमारा एक्स एल, यहां पर बन जाएगा आई इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया था, ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू वी, ऊपर है, ठीक है। तो ये बन जाएगा V ओवर, यही था हमारे पास, देख लेते हैं जल्दी से, ये बन जाएगा ये वी एम, तो ये बन जाएगा वी एम, नीचे आ जाएगा एक्स एल, साथ में आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब ये कैसे हो गया सर, इसको कैसे करेंगे, तो V जैसे हम कर रहे थे ना, V अपॉन R जो हमारा करंट होता है, ऐसे ही हमारा V अपॉन एक्स एल, ये भी हमारे पास करंट होता है। तो I इज इक्वल टू आई एम बन जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, ये बन जाएगा साइन, इसको साइन में लेकर आएंगे, क्यों लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा जो है जो वोल्टेज है वो भी साइन में होती है। तो I इज इक्वल टू साइन, यहां पर आएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ठीक है। तो माइनस कॉस ओमेगा टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस, तो आपको सिंपल सी बात बताता हूं जो याद रखने की है, कॉस को किसमें कर दिया, साइन में, ओमेगा टी का ओमेगा टी आ गया, ये जो माइनस है ये इधर आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, पाई बाय टू, और पाई बाय टू मैंने क्या बोला था, पाई बाय टू मैंने क्या बोला था, 90 डिग्री होता है, तो यहां से 90 डिग्री हमारा आ गया है। तो वी हमारा, ये हमारा सेकेंड आ गया है, और फर्स्ट हमारा क्या था, वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब देखा जाए, ध्यान से देखिए, अब वी से वी मिल रही है, आई से आई मिल रही है, साइन से साइन मिल रहा है, ओमेगा टी से ओमेगा, बट यहां पर ये माइनस कर रहा है, तो माइनस का मतलब ये है कि ये पीछे जा रहा है, करंट लैग बिहाइंड, पीछे जा रहा है, कितना जा रहा है, 90 डिग्री जा रहा है, किसके अकॉर्डिंग जा रहा है, वोल्टेज के अकॉर्डिंग जा रहा है। अगर वोल्टेज का इसका एंगल जीरो होगा तो वहां पे जीरो माइनस 90 डिग्री मतलब पीछे चला जाएगा। तो यहां से रिजल्ट शो डैट, रिजल्ट यहां पर क्या शो हो रहा है, कंपैरिजन, कंपेयर, ठीक है, इक्वेशन वन एंड टू, ये इक्वेशन वन एंड टू को अगर हम कंपेयर करते हैं, रिजल्ट शो डैट, क्या रिजल्ट शो करता है, ठीक है, रिजल्ट यही शो करता है कि जो करंट है वो माइनस लैग बिहाइंड जा रहा है, जो करंट है, करंट लैग बिहाइंड, ठीक है, वोल्टेज बाय 90 डिग्री, जिसको हम पाई बाय टू बोल रहे थे। अब सर ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, अब इसका फेजर डायग्राम बना दीजिए। तो जल्दी से फेजर डायग्राम की तरफ चलते हैं, काफी लेंथी हो गई है वीडियो, पर फिर भी फेजर डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो ये ऐसे बनेगा इसका फेजर डायग्राम, ये ऐसे एक, और यहां पे ऐसे मैं दो लगा देता हूं,
यहाँ पर ये वोल्टेज इतनी है और यहाँ पे इतनी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है जीरो। अब यहाँ पे तो वोल्टेज ही आएगी, यहाँ पर हमारा Vm आएगा, और यहाँ पे अब करंट जो है नीचे की तरफ 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा Im है जो 90 डिग्री पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। कितना जा रहा है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से ले लेते हैं हम इतना 90 डिग्री, यहाँ से कर लेते हैं तो यहाँ के तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम बनाएंगे इसकी वेव फॉर्म, ठीक है। तो वेव फॉर्म कैसे बनेगी, अब देखिए, यहाँ से ये ऐसे कंप्लीट हो रहा था, अब ये यहाँ से कंप्लीट होगा ऐसे कुछ कि इसके फोर जो है पार्ट। अब देखिए, ये जीरो से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 180 डिग्री है जिसको हम पाई बोलते हैं, ये हमारा 2 पाई है जिसको हम 360 बोलते हैं। तो यहाँ से अब ये ऐसे 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 करके जो है वो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और फिर यहां से ऐसे खत्म हो जाएगा। तो इससे पता चल रहा है, देखिए यहां पे जैसे ही यहां चल रहा था वैसे ही ये यहां पे खत्म हो रहा है। जितना एम्पलीट्यूड यहां था वहां से थोड़ा सा ज्यादा बन गया, आपने पूरा बना के आना है। इसका एम्पलीट्यूड ये V बन गया है हमारा, ये हमारा I बन गया है, और ऐसे अब देखिए ये करंट जो 90 डिग्री है वो पीछे चला गया है। ये हमारा फेजर डायग्राम है, ठीक है, इसको हम फेजर डायग्राम बोलते हैं। इससे पता चल जाता है कि हाँ ऐसे होता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए, और pgspg.com पे आपको पेपर भी मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक।